हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर पी वाई सीरीज रिवाइज टू एस एंड टूडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एज यू हैव ऑलरेडी सीन जोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स और प्रेजेंस ऑफ माइंड तो देखते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं ओके सो लेट्स टेक द क्वेश्चन दिस क्वेश्चन वॉज आई यू पी एस सी इन द रिसेंट आई थिंक समवेयर इन अक्टूबर और नवंबर दिस एग्जाम वॉज कंडक्टेड एन डी एग्जाम सो ये जो एन और सी के एग्जाम होते हैं ना इनका पार्ट वन पार्ट टू होता है साल में दो बार होते हैं So the question is consider the following statements about anticyclones. Anticyclones are high pressure system. First statement. Second is air in the center of the system must be subsiding. Third, anticyclones are characterized by converging winds. So what you have to do? You have to see the no statements, then you have to tell how many of the above statements is or correct. One, two, three, none. Socho, read it and record your answer in the comment section and then we will discuss about it. Okay, so I will wait for the answers. So don't move don't proceed before telling your answer in the comment section. So let's understand that what is anticyclone and where you have read it. You have read it in NCRT. So in NCRT ke mein diya anticyclone in, but in, in NCRT this is uh, the fundamental of physical geography. There they have discussed about cyclones there they have mentioned about anticyclone. So in the NCRT, it is this table is there, and this table is talking about the pattern of wind direction in cyclones and anticyclones. So pressure system. Here they have given cyclone and anticyclone. Now their comparative uh, detail they have given. So pressure condition at the center in cyclone, it is low pressure in the center. In case of anticyclone, the pressure in the center is high, high pressure.

एंड इन हाई प्रेशर डाइवर्जिंग एयर वी विल एक्सपीरियंस ठीक है अगर आपने बेसिक हेडलेस सेल्स और जीरो डिग्री थर्टी डिग्री इस पर जो सर्कुलेशन होता है एनसीआरटी में भी दिया है सो दे आर यू नो ग्राउंड पे अगर लो प्रेशर है तो ऊपर हाई प्रेशर है ऊपर हाई प्रेशर है देन ग्राउंड uh, पे लो प्रेशर है इफ इट इज कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उट एंटीसाइक्लोन समर डिटेलोन्स का कुछ कुछ डिटेल और देख लेते हैं जो प्रेशर सिस्टम रहता है सो आइसो बार विल बी वेरी फार अपार्ट साइक्लोन्स में वो क्लोज क्लोज होते हैं लेकिन यहां आइसो दूर होते हैं विंड स्पीड स्लोज डाउन एंड लाइट विंड ब्लोव साइक्लोन में क्या तो बहुत हवा आती है कभी आपने सुना होगा कि स्टॉम साइक्लोनिक स्टॉम्प आंध्र प्रदेश अच्छा ये कंडीशन है क्लाउड लाइक कंडीशन बहुत हवा चलती है साइक्लोनिक स्ट्रॉम हेयर स्पीड स्लो डाउन एंड द लाइट विंड विल बी देयर जेंटल लाइट काम सूदिंग सुर इज नो फिक्स पाथ साइक्लोन में तो हम पाथ ट्रेस करते हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम में वी डिक्लेयर इट कि ये कहां से जाएगा वी प्रेडिक्ट इट सो इधर नो फिक्सड पाथ टू प्रोसीड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है वेदर कैसा होता है वेदर इन दिस एंटीसाइक्लोन इज कूल ड्राई बट साइक्लोन में क्या होता है ड्राई नहीं होता है रेन होता है और कूल cool नहीं होता है लो प्रेशर की वजह से बहुत हॉट रहता है देर इज नो रेन इन एंटीसाइक्लोन एंड द सन गेट्स ब्राइट देर इज ऑफन फॉग इन दिंटर ठीक है no ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे एंटीसाइक्लोन के सो दिस दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी साइक्लोन सो द लास्ट पॉइंट इज फॉग इन द विंटर कुछ ऐसा देखने को मिलता है ग्राउंड पे एंटी साइक्लोन की वजह से ऐसे फॉगी कंडीशंस रहती हैं दिस आर नॉट क्लाउड्स ठीक है सो so, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ हेडलेस सेल सो हेडलेस सेल का क्रॉस सेक्शन इफ वी विल सी देन हियर वी हैव जीरो डिग्री इक्वेटर इक्वेटर पे क्या आ रहा है लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है एंड साइक्लोनिक कंडीशंस हो रही हैं क्लाउड आ रहा है एंड रेन विल बी देयर इधर से कन्वर्जेंस हो रहा है इधर ऊपर जा रहा है यहां पे हाई प्रेशर हो रहा है फिर ये आ रहा है एंड थर्टी डिग्री नॉर्थ थर्टी डिग्री साउथ पे देर इज हाई प्रेशर सिस्टम दिस इज हाई प्रेशर सो दिज आर कॉल्ड एज हॉर्स हॉर्स लैटीट्यूड पे हाई प्रेशर सिस्टम है एंड देर वी एक्सपीरियंस एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन सो ये जो सब ट्रॉपिकल लैटीट्यूड है मिड है देर वी एक्सपीरियंस एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन एट ग्राउंड लेवल ठीक है इतना क्लियर हो गया कहाँ देखने को मिलता है ये पता चल गया सो यस दिस इज अबाउट दी हेडले सेल क्रॉस सेक्शन यू विल अंडरस्टैंड नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग आई अगेन वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू री विजिट द क्वेश्चन लेट्स री विजिट द क्वेश्चन अगेन एंड द क्वेश्चन इज सेम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटी साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स आर हाई प्रेशर सिस्टम करेक्ट एयर इन द सेंटर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी सबसाइडिंग हमने देखा था इमेज में सबसाइड कर रहा है साइक्लोन में ऊपर जाता है दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंटीसाइक्लोन आर कैरेक्टराइज बाई डायग्राम दैट टू स्टेटमेंट्स आर राइट फर्स्ट वन एंड टू आर राइट वट इज द क्वेश्चन क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द अब स्टेटमेंट इज और दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इट इज आस्किंग How many? It is not saying which of the above statements are correct. Generally, we have this habit of attempting the PYQs or the test papers one and two only, one only, two only, three only. But if we are not attentive, if we are not using our presence of mind, then we might end up marking okay, this statement is correct, this statement is correct. I'm not getting, uh, achha, there must be some.

च ऑफ दी अबव नहीं उसमें क्या हो जाता है वन ओनली टू ओनली हमारी हैबिट वो होती है या हाउ मेनी है तो टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो दर इज पी टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इट डजेंट मीन टू ओनली इज करेक्ट सेकेंड ओनली स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऐसा नहीं है उसका मतलब करेक्ट है बट टू ओनली नहीं तो अभी हम क्या होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं वी एंड अप मार्किंग इट रॉन्ग बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक दैट वी आर नॉट रीडिंग इट क्लियरली and we end up reading it something else and processing some other information. so be attentive. this is the recent exam and they are telling us that we are testing your presence of mind as well. we are not only testing your geography knowledge. So that's why i chose this question to discuss, not only to discuss about the anticyclone because we generally don't read much about anticyclone. we focus mostly on cyclone. But the other purpose was to introduce you to such kind of statements where UPSC is playing with the words. Last year they have asked about how many pairs of the matches are correct. Abhi one only we have to focus on number of pairs which are correct. If you know, then only you will be able to mark it. So, remember this is important. That's why today's topic was geography concepts. or presence of mind what they are testing so don't get trapped by such questions and don't do any kind of silly mistakes okay so this is it in today's video and with this we will wind up the session today and yes we have launched this current affairs class for upsc cse prelims 2023 the details about the course the uh, orientation video, features, everything we have discussed. You can check the orientation video on the YouTube channel. It is also given in the description box, and uh, the details of the course. Everything is provided in the description box, and there is a special uh, discount for all the first hundred students. Fifty percent discount, and uh, we are glad that seats are filled. So the course will be starting on twentieth February. So if you want to avail the benefit, if you want to Join the current affairs class because if you have this fear of newspaper compilations and all, then you are at the right place. Okay. The demo video is also uploaded. You can go through the demo video and you can take your call. See you all. Take care, revise very well, and be aware of such common sense. Presence of mind. Panic mode, when we are hot seat. We end up marking such easy questions also wrong. See you all on Monday. Today is Saturday, so we will meet on Monday. Take care, guys. See you. Bye bye.